पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरेआम जनसभा से ये कह रही है कि बीजेपी के नेता ताज बंगाल में पैसा लेके बैठा हुआ है, वोटरों को खरीद रहा है पैसा देके। नहीं, पहला बात, अगर कोई होटल में पैसा लेके बैठा हुआ है, बंगाल पुलिस इज एफिशिएंट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग आना चाहिए और कैश को सीज करके ले जाना चाहिए। उसमें मीटिंग में बोलने का क्या है? इसमें आप आइए, जो रूम में भी कैश है वो उठा के ले जाइए। दूसरा सवाल के ये जो वोटर खरीदने का आरोप बार बार टीएमसी की तरफ लगाया जा रहा है, इसके चलते बीजेपी के जितने भी प्रार्थी है या नेता है उनकी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। कल भी हमने देखा मुकुल रॉय और नीलांजन रॉय दोनों की गाड़ियों चेक हुआ। नहीं, ये क्या हो रहा है? बंगाल में टीएमसी का गवर्नमेंट, ममता बनर्जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, थोड़ा नर्वसनेस है इसलिए ये सब कर रहा है। करने दीजिए, और हमारा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली एक ही हमारा रिक्वेस्ट है, गाड़ी बढ़िया से चेक कर लीजिए, लेकिन 15-20 मिनट में कर लीजिए। 3-3 घंटा थाना में मत बैठाइए, सबको कैंपेन करने दीजिए, बढ़िया से गाड़ी भी चेक कर लीजिए, सब कीजिए, लेकिन लोगों को कैंपेन करना बंद मत कीजिए। ये आपको स्ट्रेटेजी नहीं होना चाहिए कि इसी का गाड़ी में कैश है इसलिए उनको मैं 4 घंटा थाना में बैठा दूंगा और बाद में कैश भी नहीं मिलूंगा। तो आप ऐसा करना है तो टीएमसी का गाड़ी भी चार्ज करो, उनका कैंडिडेट को भी आप 3 घंटा थाना में बैठाओ, सबके लिए इक्वेलिटी करो। आपको क्या लगता है क्यों ये सब किया जा रहा है? ये सब नर्वसनेस है ना भैया, नर्वस हो गया है। एनआरसी का जो इफेक्ट है वो वेस्ट बंगाल में बहुत बुरी तरह पड़ा है। वेस्ट बंगाल के लोगों के सामने ये प्रचार किया जा रहा है कि एनआरसी के माध्यम से बहुत सारे हिंदू और बंगाली को भी निकाला जाएगा, सामने चुनाव है, क्या देख रहे हैं? ये गलत बात है। अमित शाह जी बोल रहा है कि बंगाल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा, हिंदू को नागरिकता दिया जाएगा, उसका बाद एनआरसी होगा, जो एनआरसी से नॉन हिंदू घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। तो इसलिए इसमें चिंता का क्या बात है? घुसपैठी को तो जाना चाहिए, और हिंदू को नागरिकता भी देने का बात क्लियरली बोला गया है, उसका बाद ही एनआरसी होगा, तो उसमें बैड इफेक्ट क्या होगा? इसमें तो गुड इफेक्ट ही होगा। आखिरी सवाल के वेस्ट बंगाल में 30% से ऊपर माइनॉरिटी है, क्या चांसेस दिख रहे हैं अगले चुनाव में? तो माइनॉरिटी भी वोट करेगा ना बीजेपी को, सब तो संतरस्त होके बैठा हुआ है। तो डेवलपमेंट और मोदी जी को लीडरशिप में कितना परसेंट हिंदू मुस्लिम है वो बोलना मेरा काम नहीं है, सब लोग, सारा जमात का लोग आके बीजेपी को वोट करेगा, ये हमारा विश्वास है। शेई जी चेना मायर स्नेह जत्न चेना चेना ভালোবাসার চেনা শব্দে বিশ্বাস চেনা চেনা খাটি সেই চেনা স্বাদ খুশি চেনা চেনা প্রতি স্বাদে পুষ্টির ছোঁয়া নাম দিয়ে যায় চেনা নতুন রূপে ভাগীরথী আজও গুণ দিয়ে যায় চেনা। কংক্রিটের এই জঙ্গলে ফিরে আসুক সবুজ ঝড়, বন্ধ করে প্লাস্টিক, পরিবেশ হোক পরিষ্কার, গুটখা বা সিগারেট নিষিদ্ধ, মারণ সেন্সেশন রূপশ্রীতেও পাশে আছে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। হ্যালো, আমি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন, সবাই আমাকে ইভিএম বলেই জানে, আর আমি ভিভিপ্যাট। ভোট দেওয়ার পর যে চিরকুটটি আপনি দেখে থাকেন সেটি আমি তৈরি করি আর তার সংরক্ষণও করে থাকি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আমরাই সুরক্ষিত, অবাধ ও স্বচ্ছ রেখেছি। কোনোভাবেই অবৈধ উপায়ে প্রভাবিত করা, আমাকে পাল্টানো বা অকেজো করা যায় না। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার আগে ধাপে ধাপে র্যান্ডমাইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাকে নির্বাচিত করা হয়, ফলে আগে থেকে এটা জানার কোনো উপায় নেই কোন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের জন্য আমি নির্বাচিত। প্রস্তুতির প্রতিটি ধাপেই মহড়া ভোট করে দেখে নেওয়া হয় আমি ঠিকঠাক কাজ করছি কিনা। এই কারণেই আমি আপনাদের সবার বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি। আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।